हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो आईपीएल 2019 मुकाबले राजस्थान रॉयल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, जो कि खेला जाएगा 2 अप्रैल को रात के 8 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। दोनों ही टीमें अपने स्टार्टिंग के 3 मैच हार चुकी हैं, तो एटलीस्ट किसी ना किसी एक टीम को अपनी आईपीएल की पहली जीत जरूर मिलेगी इस मैच के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं विजिटिंग टीम जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 में से 2 मैच एक तरफा हारे हैं। मुंबई वाले मैच में उन्होंने कॉम्पिटिशन दिया था, पर खासकर पिछला मैच तो एकदम एक तरफा हारे हैं। 118 रन की हार बहुत ज्यादा होती है T20 क्रिकेट के अंदर। पिछले मैच में ना उनकी बॉलिंग क्लिक कर पाई, ना उनकी बैटिंग क्लिक कर पाई, ना विराट कोहली चल पा रहे, ना एबी डिविलियर्स चल पा रहे हैं, उनके लिए कंसर्न है। अब उनको टीम में चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा बूट यह है कि मार्कस टॉयनिस वापस टीम से जुड़ गए हैं और नेथन कूल्टर नाइल भी टीम से जुड़ गए। जी हां, कूल्टर नाइल और टॉयनिस दोनों के दोनों टीम से जुड़ गए हैं, तो काफी अच्छी बात होने वाली है आरसीबी के लिए। आरसीबी इसमें तो काफी सारे चेंजेस कर सकती है और चेंजेस करने भी चाहिए। आरसीबी की टीम वैसे काफी अच्छी, मैं जल्दी से उनकी प्लेइंग 11 पे आता हूं जो मुझे लगता है इस मैच में हो सकती है। ओपनिंग करते देख सकते हैं मार्कस टॉयनिस जो कि बीबीएल में ओपनिंग करते हैं। जी हाँ, मार्कस टॉयनिस बीबीएल में ओपनिंग करते हैं। यहां भी ओपनिंग करते देख सकते हैं मार्कस टॉयनिस, पार्थिव पटेल, नंबर 3 के ऊपर विराट कोहली, नंबर 4 के ऊपर एबी डिविलियर्स, नंबर 5 के ऊपर सिमरन हेटमायर, नंबर 6 के ऊपर मैं खिलाऊंगा अक्षदीप नाथ को। जी हाँ, अक्षदीप नाथ यूपी के प्लेयर हैं, 3.5 करोड़ में आरसीबी ने उनको खरीदा है और यूपी के लिए सीजन में 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे। एक शानदार तेज तरार प्लेयर है नंबर 6 के ऊपर आकाशदीप नाथ। 7वें नंबर पे शिवम दुबे को बहुत मौके मिल चुके हैं और इंप्रेस भी नहीं कर रहे, बॉलिंग भी नहीं करते हैं, तो अब मैं खिलाऊंगा वॉशिंगटन सुंदर को। एटलीस्ट आपके स्पिन बॉलिंग जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। उसके बाद आते हैं नेथन कूल्टर नाइल, फिर युजवेंद्र चहल, उमेश यादव और उसके मोहम्मद सिराज। तो आपके इन 4 बॉलर के अलावा मार्कस टॉयनिस सबको ओवर दे देंगे और वॉशिंगटन सुंदर ओवर दे देंगे, तो 6 प्रॉपर बॉलर हो जाएंगे। ये काफी अच्छी बात होगी आरसीबी के लिए, 6 प्रॉपर बॉलर होना। मार्कस टॉयनिस से अग्रेसिव प्लेयर आपको ओपनिंग दे रहा है, तो बहुत अच्छी ओपनिंग हो जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत अच्छे प्लेयर है बैटिंग से भी और अक्षदीप नाथ भी काफी अच्छे बैट्समैन है। तो ये होगी मेरी प्लेइंग 11 जहां पे स्टॉयनिस, पार्थिव पटेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, सिमरन हेटमायर, आकाशदीप नाथ, वॉशिंगटन सुंदर, नेथन कूल्टर नाइल, चहल, यादव और सिराज, ये मेरी टीम होगी। और आई थिंक ये सबसे बैलेंस टीम है आरसीबी के लिए और आरसीबी को इस टीम से जाना चाहिए जयपुर के स्टेडियम के अंदर। अब मैं बात करता हूँ जयपुर के राजस्थान रॉयल्स के बारे में। राजस्थान रॉयल्स भी स्टार्टिंग है 3 में से 3 मैच हार गई, पर वो कोई मैच एक तरफा नहीं है। उन्होंने 3 मैचों में कड़ी टक्कर दी है, बहुत कम रन से हारे हैं, तो वो अगर थोड़ा सा एफर्ट और लगाए तो जीत सकते हैं। सबसे बड़ी कमी की बात है उनकी बॉलिंग, खास करके जयदेव उनादकत जिनको 8.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, वो इतने महंगे साबित हो रहे हैं, ना उनको अच्छे विकेट मिलते हैं। उन्होंने पिछले बार की ओवर में 28 रन मार के गेम पूरा चेन्नई की तरफ कर दिया, तो आई थिंक जयदेव उनादकत को अब चेंज करने का टाइम आ गया है, आप उनको चेंज कर सकते हो। दूसरी मेन दिक्कत की बात है स्टीवन स्मिथ का फॉर्म। जी हां, स्टीवन स्मिथ ने पिछले मैच में भी 100 की कम की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, किंग्स और पंजाब वाले मैच में भी वो जल्दी आउट हो गए। आई थिंक अब आप स्टीवन स्मिथ को रिप्लेस कर सकते हो। एस्टन टर्नर आपके पास आ चुके हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप स्टीवन स्मिथ को रिप्लेस करो एस्टन टर्नर से और आप जयदेव उनादकत की जगह खिला लो आप वरुण एरोन को, या फिर अगर आपको इंडियन ऑप्शन चाहिए वो है मनन वोरा जो कि काफी टाइम से जयपुर में ही है, तो आप उनकी स्मिथ की जगह खिला सकते हो मनन वोरा को। और उसके बाद अब जयदेव उनादकत की जगह ओशेन थॉमस को ला सकते हो। ओशेन थॉमस जो कि काफी अच्छे वेस्टइंडीज के पेस बॉलर हो, काफी अच्छा आपके लिए कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन बनते हैं आपके पास। उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि वो टीम टक्कर दे पा रही है। जॉफ्रे आर्चर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बेन स्टोक्स ने भी पिछले मैच में दिखाया कि वो बैटिंग अच्छी कर सकते हैं। जॉस बटलर को अपना फॉर्म वापस हासिल करना पड़ेगा और अजिंक्य रहाणे को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, पर राजस्थान की टीम वैसे देखे तो कम वरीज है। आरसीबी के मुकाबले अच्छा खेली है टीम, बस ऑन द लाइन नहीं जा पाई है। तो इस मैच की प्लेइंग 11 की बात करूं, ओपनिंग करते दिखेंगे जॉस बटलर के साथ अजिंक्य रहाणे, नंबर 3 के ऊपर आपको दिखेंगे संजू सैमसन, नंबर 4 पे मैं खिलाऊंगा राहुल त्रिपाठी को जो पिछले मैच काफी अच्छे खेले थे। आई थिंक टर्नर अभी आया, तो नंबर 5 पे मैं खिलाऊंगा मनन वोरा को, फिर उसके बाद स्टोक्स, फिर गौतम, फिर मेरे 4 बॉलर होंगे ओशेन थॉमस, जॉफ्रा आर्चर, धवल कुलकर्णी, श्रेयस गोपाल। तो ये मेरे होने वाले हैं मेरे 11 प्लेयर्स, यहाँ पे ओशेन थॉमस, जॉफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, गौतम, स्टोक्स और धवल कुलकर्णी मेरे बॉलिंग कर सकते, जो कि काफी अच्छी बात है और बैटिंग भी अच्छी है, तेज खेलते मनन वोरा अच्छे प्लेयर है। आई थिंक मनन वोरा को टीम में आना चाहिए स्टीवन स्मिथ की जगह। तो ये होगी मेरे लिए राजस्थान की प्लेइंग 11। तो मुझे उम्मीद है छोटा व्यू पसंद आया होगा। ऊपर मैंने आपको पोल दिया, मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि ये मैच को आरसीबी अपनी पहली जीत हासिल करेगी कि राजस्थान रॉयल्स ने पहली जीत हासिल करी। तो ये था एक प्रीव्यू छोटा सा आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह के अपडेट्स के लिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।